हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल व्यू को लेकर के है। अब एसक्यूएल व्यू के अंदर आज खास क्या है उसको समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हम करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेस को ओपन करते हैं। आप अगर ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस पे काम करते हैं तो लगभग ऐसी ही चीजें आप ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस के अंदर भी कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। यहाँ पर मैं इनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की टेबल हमारे पास है, ठीक है, देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट हुई पड़ी हैं। इसमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी बनी हुई है और यहाँ पर जो है कुछ मार्क्स मैं और भी एंटर करवा देता हूँ ताकि इसमें तीसरा रिकॉर्ड भी फिल हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से तीसरा रिकॉर्ड भी फिल हो गया और यहाँ पर चौथा नाम सेलेक्ट करके हम चौथा भी रिकॉर्ड फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभिषेक तक हो चुका है, रवि कर लेते हैं और यहाँ पर भी मार्क्स हम फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स यहाँ पर हम देते चले जाएंगे और जब ये मार्क्स पूरा हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर जो है काम करेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार लोगों के नाम और मार्क्स वगैरह सारे कुछ फिल हो चुके हैं, जिसमें टोटल एवरेज और ग्रेड भी कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पर इस टेबल को हम क्लोज करते हैं। इस टेबल का नाम देख सकते हैं स्टूडेंट है। यहाँ पर क्रिएट पे आते हैं और क्रिएट पे आने के बाद आपको कहाँ आना है, क्वेरी डिजाइन पे आ जाना है। तो क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ एसक्यूएल मिलता है। अब यहाँ पर वो काम करने हैं आपको। जरा आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, पहले क्या नाम आया है, राम आया है, ठीक है, फिर श्याम आया है, फिर अभिषेक आया है, फिर रवि आया है, इस तरीके से करके ये नेम आते चले गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि जो है हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में इस नाम को कर दें और डिसेंडिंग में जब चाहें तो डिसेंडिंग में कर दें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है नहीं भाई, एक्सेल में आपको शॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहां पर ये कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर असेंडिंग पे जाते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। अगर डिसेंडिंग पे जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसको एसक्यूएल व्यू में लेके करना आसान नहीं है, ठीक है, वहां पर समझने वाली बात है। क्योंकि एक्सेस तो यूजर फ्रेंडली हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन यही काम आप माई एसक्यूएल पे करेंगे या एसक्यूएल सर्वर पर करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो इस वजह से भी इसे देखना जरूरी है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेरी को हम सेव कर देते हैं। पर यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली और यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है, हमें तो फिलहाल सेलेक्ट ही करना है। तो सेलेक्ट किसको करना है, तो हम जिस कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हैं उसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कौन सा कॉलम करना है हमको, तो यहाँ पर देखिए जरा, हमें सेलेक्ट करना है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको लिखना है अंडरस्कोर लगा के। तो यहाँ पर आप आइए और यहाँ पे लिख दीजिए NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा ये। और जब इतना हो जाएगा तो फिर एंटर करके आ जाइएगा नीचे और ये कहां से आएगा, तो फ्रॉम टेबल का नेम आएगा। तो टेबल का नेम तो स्टूडेंट ही है, तो यहां पर स्टूडेंट आप दे दीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट दे करके फिर एंटर कीजिएगा। यहां पर एक कीवर्ड यूज करना है, ऑर्डर बाई, क्या लगाना है आपको, ऑर्डर बाई, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। आप इसी चीज को कैपिटल या स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कर दिया है ऑर्डर बाई और फिर क्या करना है, कॉलम का नेम देना है। तो कॉलम का नेम हमारे क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स ही मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। इसके अलावा भी अगर कोई नेम आप लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने लिया नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। तो आगे यहां पर अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप चाहे तो ASC इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं। अब यहां पर टर्मिनेशन देना, यानी ये सेमी कॉलन जो लगाया है मैंने, इसको आप देख सकते हैं कैसे सेमी कॉलन लगाया है, इसी तरीके से आपको सेमी कॉलन लगा देना है। और जैसे ही लगा देंगे तो फिर ये जो टेबल ओपन है स्टूडेंट वाली, इसको क्लोज भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको क्लोज भी कर लेते हैं। तो यहां से जाकर के इसको क्लोज कर देते हैं, तो सेव करके क्लोज कर देंगे और अब इसको रन कराने की बारी है। तो क्वेरी डिजाइन पे जाके रन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो केवल एक जो कॉलम हमने चूज किया था वही यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे,
तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हुआ तो यहां पर एएससी लिखने के बजाय आप डीएससी लिख सकते हैं, डीएससी लिखना होगा, डीएससी नहीं डीईएससी, ठीक है। तो यहां पर डीईएससी कर दीजिए और अब जो है इसको यहां से रन करवा दीजिए। तो रन करवाया तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। यहां पर जो स्टूडेंट वाली टेबल हमने ली है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने खाली नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, यहां पे टोटल भी है और एवरेज भी है और ग्रेड भी है। अगर आप ये भी चाहते हैं तो क्या इसको भी लिया जा सकता है? तो आइए इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। कॉमा लगाते हैं और यहां लिख देते हैं टोटल, फिर कॉमा लगाते हैं और यहां लिख देते हैं एवरेज, ए वी ई आर ए जी ई एवरेज, फिर कॉमा लगा के यहां लिख देते हैं ग्रेड। तो क्या ये भी आएगा क्या? ये देखने वाली बात होगी, काफी इंटरेस्टिंग है। इसको क्लोज करते हैं और यहां से अब इसको दोबारा से रन करवाते हैं क्वेरी डिजाइन पे जाके, और फिर रन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके साथ साथ ये भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो रिकॉर्ड्स चाहिए उनको एक साथ लेके आ सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। सेम यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है MySQL के अंदर, इसके साथ साथ SQL सर्वर के अंदर और SQL व्यू में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो मैं दिखा ही रहा हूं। ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस अगर आप यूज करते हैं तो लगभग ऐसी ही चीजें वहां पर भी आपको करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये आपको कैसे करना है। आप यहां पर एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब एक्सेस में ये आपको सुविधा मिल जाती है कि यहीं पर आप एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। अब फायदा क्या है, कैसे लगाएंगे इसको, वो भी दिखा देता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर हम टोटल का भी टोटल करना चाहें, अगर सपोज कीजिए कि यहां पर जो स्टूडेंट का टोटल आया हुआ है इस क्वेरी के अंदर, तो इस टोटल का भी टोटल हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल का भी टोटल कैसे आएगा? तो टोटल का भी टोटल करने के लिए हमें एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहां पर देखिए टोटल लिखा हुआ है, ये हम होम टैब में है और यहां पर लिखा हुआ है टोटल, दिख रहा है? तो बस इस टोटल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहां टोटल लिखा हुआ आ जाएगा। और अब यहां पर आपको टोटल करना है कि सम करना है कि एवरेज कर, क्या करना है आपको, आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको टोटल करना चाहते हैं तो यहां पर इस टोटल का भी टोटल और इस एवरेज का भी टोटल आता हुआ नजर आएगा। देखिए सम कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर हमें एवरेज का सम नहीं चाहिए, हम एवरेज का भी एवरेज निकालना चाहते हैं, तो यहां पे 68.08 एवरेज आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आप काउंट करना चाहते हैं तो यहां काउंट भी एक एग्रीगेट फंक्शन आपको मिल जाता है, और काउंट का भी यूज आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। बस यहां पर आपको क्लिक भर करना है और क्लिक करते ही यहां पर ये काउंट भी करके बताएगा कि ये कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो जिस भी प्रकार का आप एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हो यहां पर लगा सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम मिनिमम भी दिया हुआ है, तो जो लगाना चाहे वहां पर लगा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर हमको ये काउंट करना है तो यहां पर सीधा काउंट लगाएंगे, ये काउंट करके दे देगा हमको, पांच है ये और पांच ये काउंट करके बता भी रहा है हमको, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन है, इन्हें क्या कहते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो मैंने बना दी है और कहीं से भी आपको ना तो असेंडिंग डिसेंडिंग और ना ही एग्रीगेट फंक्शंस को नॉर्मली अप्लाई करने में दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।